all of you students, once again welcome to you on our online classes to DK students. Without wasting time, we are going to start our class. DK students, in last class we completed our question number B, है ना? हमने question number जो B है इसका वो हमारा complete हो गया था, और आज हमें इसका question number C देखना है. C के अंदर क्या लिखा है, C को solve करना. आज हमें इसका question number C and D, ये दो question करेंगे इसके. तो देखिए C में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3, ठीक है ना? यानी कि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आपको एक नया वर्ड सही मिल सकता है मेरे हिसाब से. काफ़ी बच्चों ने तो लास्ट वाले क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा. एक तो होता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू तो काफ़ी छोटी क्लास में भी आ जाता है, एंड एक होता है फेस वैल्यू. देखो फेस वैल्यू का क्या है, आपके सामने नंबर लिखा हुआ 153-62498, ठीक है? वैसे कितना लिखा हुआ है, ये लिखा आपके इसके अंदर लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकंड, 1,53,62,498 लिखा हुआ है, ठीक है? हमें इस नंबर से मतलब नहीं है, हमें तो देखना है इसका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू निकालना है. किसका? थ्री का निकालना है. आप इसका प्लेस वैल्यू निकालोगे और आप इसका फेस वैल्यू निकालोगे, ठीक है ना? और उसके बाद में उसका क्या करना है, आपको उसका डिफरेंस फाइंड करना है. तो देखिए इसको, ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर सी की बात कर रहे हैं. जस्ट अ सेकंड, हाँ यहाँ से देखिए. आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी है क्वेश्चन वगैरह कैसे लिखते हैं. ऊपर क्लास वर्क डे टू डे तो आपको मेंशन करना ही है, और क्वेश्चन आपको फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड लिखना है, उसके बीच में वो क्या करना है, डेस करना है सारा ही. अब ध्यान से सुनेगा आप मेरी बात. पहले लिखा है प्लेस वैल्यू. अगर आपको किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है, यानी कि यहाँ पर जैसे थ्री की निकालनी है, तो कुछ थ्री कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है इस वाले नंबर में, तो थ्री का तो थ्री लिखना ही आपको. देखो थ्री का प्लेस कौन सा है, यानी कि थ्री के पीछे है ना कितने डिजिट आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, कितने डिजिट आ रहे हैं, 5 डिजिट आ रहे हैं. तो 5 डिजिट है तो इसके आप पीछे आप क्या लगा दीजिए, 50 पुट कर दीजिए, ठीक है? यानी कि जो 3 का प्लेस है यहाँ पर वो क्या है, वो है 3 लाख, ठीक है ना? आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000s एंड lakhs, ये हमने कल भी पढ़ा था. आप ऐसे कर लीजिए, या फिर देखो ये वाला ईजी होता है, 3 का 3 लिखो, पीछे जितने डिजिट हैं उतने यहाँ पर मैंने क्या लगा दिए, 0 लगा दिए. तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू. ओके, तो देखो प्लेस वैल्यू में क्या करना है, आपको जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड कर रहे हैं उसके पीछे जितने डिजिट हैं उतना आप क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये आपके इसका हो जाएगा प्लेस वैल्यू, ठीक है? अब सेकेंड बार कैसे फेस वैल्यू क्या होता है, तो देखिए फेस वैल्यू हमेशा है ना किसी भी डिजिट की हमेशा फिक्स होती है. 3 की फेस वैल्यू 3, 4 की फेस वैल्यू 4, 5 की 5, यानी कि कोई भी डिजिट है ना अगर आप उसका फेस वैल्यू फाइंड करो, तो फेस वैल्यू का मतलब वो नंबर खुद एक्चुअली है कितना, ठीक है ना? तो 3 चाहे कहीं पे भी लिखोगे ना तो वो 3 होगा, उसकी फेस वैल्यू हमेशा क्या होगी, 3 होगी. तो आपको 3 के फेस वैल्यू में हमेशा क्या करना है, 3 लिखना है. अब फाइंड करना है डिफरेंस. डिफरेंस के लिए क्या करते हैं, माइनस, तो यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया, और इस नंबर में से इसको माइनस किया, देन आंसर विल बी 2,99,997, ठीक है? ये तो आपको पता होना चाहिए, पास वाले से बोरो लेते हैं फिर ये करना पड़ेगा इसका सिलेक्शन, ठीक है? तो ये इन दोनों का क्या आ गया, डिफरेंस. तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू मेरे हिसाब से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा. प्लेस वैल्यू में जितने डिजिट हैं उसके उतने आप 0 पुट कर दीजिए, एंड फेस वैल्यू के अंदर जो नंबर है वो सेम टू सेम ही आएगा, उसके पीछे 0 वगैरह कुछ भी नहीं आएगा. ओके, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर सी हो गया कम्प्लीट. अब आप इसका क्वेश्चन नंबर देखिए डी. तो डी में क्या लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है आपके इसके अंदर. इन क्वेश्चन नंबर डी, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन देयर एक्सपेंडेड फॉर्म. अब देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपने लास्ट वाली क्लास के अंदर पढ़ाया होगा मेरे हिसाब से काफ़ी बच्चों ने, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ गया तो हम इसको एक बार वापस रिवाइज कर भी लेते हैं. देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, वैसे देखो ये इसके पास में जो लिखा हुआ है ना, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है? ये भी इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में ही काउंट होता है, लेकिन हमें तो ये बनाना बनेगा कैसे वो देखिए आप. यहाँ से देखिए ये इसका क्वेश्चन में जो डी है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्वेश्चन लिखा है राइट एंड फॉर्म, ठीक है ना? बीच में डेस वगैरह क्या हुआ है इसका. फर्स्ट आपके ये लिखा हुआ है 3,17,051. अब यहाँ से देखिए ये आपको वैसे बहुत इजी है, लेकिन फिर भी एक बार आपको समझना पड़ेगा इसके अंदर. सबसे पहले आपको 3 लिखना है, ये मैंने यहाँ पर 3 लिखा है. इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 तो लगाना ही है पास में. 3 के पीछे कितने डिजिट, 5 डिजिट, तो यहाँ पर क्या आ गए, 50 आ गए, ठीक है? एक बार पहले समझ लीजिए आप इसको आराम से. 3 के पीछे 5 डिजिट, तो यहाँ पर 50. 1 के पीछे कितने डिजिट, 1 के पीछे 4 डिजिट, यहाँ पर कितने आएंगे फिर,
40, 7 के पीछे 3 डिजिट, 7 के या मल्टीप्लाई में 30, 0 आ गया, तो 0 का आपको कभी भी बीच में लिखना ही नहीं है, 0 को आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है। देखो 5 के पीछे 1 डिजिट, तो यहाँ पर 10, 1 के पीछे कुछ नहीं है तो 1 के पास में कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। वापस समझिए एक बार, देखो जैसे 3 है ना, वो 3 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 के पीछे जितने डिजिट होंगे ना उतने ही मुझे क्या लगाने हैं, 0 लगाने हैं, यानी कि 1 तो लगाना ही है, 1 के साथ में कितने लगाने हैं, 5 0 यहाँ पर पास में पुट करना है, वो क्या हो जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब सबसे पहले 3 का हिसाब कर दिया, अब पास में चलिए 1 प्लस लगाना है बीच में, ठीक है, प्लस के यहाँ पर मैंने लिखा 1, अब 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 के साथ में, 1 के पीछे है 4 डिजिट, तो मुझे 1 2 3 एंड 4 0 लगाने पड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 0 लगाए हैं। यहाँ पर मैंने 7 को 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि 7 के पीछे 30 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 के पीछे 1 डिजिट, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 10 से किया है, 10 का मतलब 1 के पीछे क्या आएगा, यानी कि देखो सीधा सा कंसेप्ट है, जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई में लिख रहे हो उस नंबर के पीछे जितने डिजिट होंगे उसके साथ में मल्टीप्लाई में उतने 0 होंगे, ठीक है, सीधा सा कंसेप्ट ये आपको दिमाग में रखना है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। एक इसका क्वेश्चन और देखिए आप, नंबर 6, तब आपका हो जाएगा सारा क्लियर। इसमें 6 के साथ में देखो ये 6 लिखा हुआ है, 6 के पास में 1 तो आएगा ही, 1 का तो 1 को काउंटिंग करो, 1 तो डेफिनेटली आएगा, पीछे कितने डिजिट है, 6 डिजिट, तो मैंने 60 लगा दिए, ठीक है, ये 60। 3 के पीछे 5 डिजिट, ये मैंने यहाँ पर 50 लगा दिए। 9 के पीछे 4 डिजिट, ये मैंने 9 के पास में 40 लगा दिए। ये यहाँ पर 4 के पीछे 3 डिजिट, ये मैंने 4 के पास में 30 लगा दिए। 5 के पीछे 2 डिजिट, 5 के यहाँ पर 00 लगा दिया। 3 के पीछे 1 डिजिट, तो यहाँ पर मैंने 10 लगा दिया, और 5 के पीछे कुछ नहीं है तो आपको कुछ भी लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 1 लिखते हैं वैसे तो भी ठीक है, नहीं लिखते को भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये इसका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, ईजी है, कोई ज़्यादा इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, देखना है कि पीछे जितने डिजिट आ रहे हैं उतने आपको 0 पुट करना है, ओके। तो ये होता है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, तो आज के लिए काफ़ी है, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हमारे, आपको इनको सही ध्यान से समझना है, और नहीं हो रहा है तो एक बार वापस वीडियो को देख लीजिएगा, ओके। तो ये सेम टू सेम वर्क आपको अपनी नोटबुक के अंदर भी करना है, मैं आपको सेम टू सेम ये पिक सेंड कर दूँगा। तो आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे होम एंड कीप लर्निंग, बाय बाय।